हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आपका जो EMRS GSA का एग्जाम हुआ था, उसके लिए यहाँ पर फाइनल जो कट ऑफ किया गई है, वो यहाँ पर आपका जो EMRS की वेबसाइट है वहाँ पर इसे अपडेट कर दिया गया है कि क्या फाइनल कट ऑफ आपकी रही है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि क्या फाइनल इसकी कट ऑफ रही है आपकी EMRS GSA की। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रोविजनली कैंडिडेचर नोटिफिकेशन, एक तो ये आया है, ये कब आया है, 18 जून में। और 18 जून में ही एक और चीज़ आई है, कट ऑफ मार्क्स फॉर रिटर्न एग्जाम कंडक्टेड अंडर ESSC प्रिंसिपल्स के लिए एंड GSA के लिए क्या फाइनल कट ऑफ यहाँ पर रही है। इसकी जो अपडेट है दोस्तों, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है यहाँ पर देखिए द एग्जाम हेल्पर, यहाँ पर डाल दी थी। तो अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है, फॉलो नहीं किया, तो इसको जाकर फॉलो एक बार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ अपडेट आपको देखने को मिली है। मैंने जो क्या कट ऑफ आपको बताई थी और फाइनल कट ऑफ क्या गई है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रही है। ठीक है, यहाँ पर आप नाएंगे तो मैंने ये वाली PDF यहाँ पर डाउनलोड करके लगा दी थी आपके लिए। अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ से आपको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, इस PDF को मैं खोल के बता देता हूँ कि इसमें क्या कुछ यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो कट ऑफ गई है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सेलेक्शन एग्जाम ESSC 2023। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल की है, एक GSA की। तो हम GSA वाली देख लेते हैं कितनी की। ठीक है, UR की जो कट ऑफ गई वो ये 101.25। ठीक है, ये जो टाइपिंग आपकी हुई थी, ठीक है, टाइपिंग में क्या हुआ था, 1:3 में कैंडिडेट बुलाए गए थे। फिर आपका जब DB हुआ तो DB में यहाँ पर 1:1 में कैंडिडेट बुलाए गए थे। तो जितने लोगों को इनको जॉब देना थी, यानी कि जो वैकेंसी थी आपको 759 वैकेंसी थी, उन्हीं लोगों को यहाँ पर, उतने ही लोगों को टाइपिंग पास कराया गया और उतने ही लोगों को यहाँ पर DB के लिए बुलाया गया है। और उनका अपॉइंटमेंट लेटर भी इन्होंने जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियो यहाँ पर रहा था। तो कट ऑफ में आपको मालूम है कि बिना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्योंकि एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, विदाउट नॉर्मलाइजेशन के ये एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो क्यों कट ऑफ है वो वही की वही रही है ना, जिसके मार्क्स थे उतने ही आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन आपको दिया गया। ठीक है, तो UR की देखिए 101.25 गई है। मैं अभी बताऊंगा कि मैंने जो आपको कट ऑफ बताई थी वो कितनी रही थी और ये जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी रही है। ठीक है, बिल्कुल लगभग सेम ही है। ठीक है, लगभग 95% जो है ये कट ऑफ जो है, बिल्कुल मैंने जो आपको बताया था एक्सपेक्टेड वही कट ऑफ है, आपको दिखा दूंगा अभी। ठीक है, EWS की देखिए 97.5 है, 95.5 OBC की है, SC की 91.25 है और ST की 87.5 है। अदर्स की आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एक्स सर्विस की काफ़ी कम है, HH है ना, अदर डिसेबिलिटी। तो ये तो इसकी ऑफिशियल कट ऑफ जो कि आपके यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर देखिए, जिस किसी भी कैंडिडेट के अगर सेम नंबर है तो उसको एज जिसकी ज़्यादा होगी तो उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, कट ऑफ है दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार आपको ये कर देता हूँ क्लियर। ठीक है, ओके, चलिए देखिए, अब मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि मैंने आपको जो कट ऑफ बताई थी वो गई थी। ठीक है, तो देखिए यहीं पर मैंने आपके लिए ये मैंने एक वीडियो बनाया था टाइपिंग के लिए कट ऑफ, वो जो कि आपके पोल पर आधारित था। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने कट ऑफ बताई थी, मैं आपको ये वीडियो ओपन कर देता हूँ, ओके, जिससे आपको सारी चीज़ें हम क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए तो देखिए वीडियो ओपन हो रहा है, तो वीडियो चल रहा है, एड कर दीजिए, यहाँ से हम इसको स्किप ऐड करते हैं और यहाँ पर हम इस जगह पर चलते हैं थोड़ा। 93 से लेकर ये मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उसी वीडियो में, तो आपको यहाँ पर के दिख बीच रहा हूँ, अगर ठीक आपके है, मार्क्स दिख आए रहा है ना ना बिल्कुल कि कितनी अच्छे, कट ऑफ बताई, थोड़ा सा आगे तो करके आप दिखाता हूँ। बिल्कुल जो है अपनी ये मैंने टाइपिंग आपको के, कट ऑफ बताई थी टाइपिंग के लिए, टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ बताई मैंने ये बताई थी। ठीक है, यहाँ से इसको कहते हैं टाइपिंग के लिए कट ऑफ बताई थी मैंने, ये बताई थी कि UR की 97 से 102, OBC की 93 से 98, EWS की 91 से 95, SC की 89 से लेकर 93 और ST की 87 से लेकर 91 के बीच ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है। और मैंने बताया था नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा नहीं, तो लगभग टाइपिंग के बाद जितने टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे और जिस जिस नंबर के टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे वही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और यही आपकी सेम कट ऑफ देखने को मिलेगी, देख सकते हैं आप UR की 97 से 102। और देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ गई है जो कि इनके द्वारा बताई गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए इसको हम डाउनलोड किया था 1 सेकंड की, तो दोबारा से ओपन कर देते अपन। ठीक है, यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर कितनी गई है मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड, कहाँ गया वो, अच्छा हट गया क्या, 1 सेकंड रुकिए दोस्तों, यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ पर कितनी, 97 से 102।
और यहाँ पर कितनी गई है, 101.2 है, ठीक है। तो उसी के अंदर में इसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस की, 97.5 है ईडब्ल्यूएस की, और ओबीसी में यहाँ पर चेंजेस हो गया, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में यहाँ पर चेंजेस हो गया, मैंने 91 से 95 बताई थी, इसकी 93 से 98, ओबीसी की ये वाली चली गई, ईडब्ल्यूएस की ये वाली चली, ठीक है। तो लगभग इतना तो चलता है ना, इतना तो भाई इतना तो चलता है कि मैं तो अब ये एक्सपेक्टेड तो नहीं बता सकता। बाकी देखिए ओबीसी की 90, एससी की 91.25 गई है, और यहाँ पर देखिए मैंने कितनी बताई थी, ये देखिए एससी की मैंने बताई 89 से 93 के बीच, और वही यहाँ पर 91.25, एसटी की 87 पॉइंट गई है समथिंग, और यहाँ पर देखिए 87 से 91 के बीच में आपको यहाँ पर मैंने कट ऑफ बताई थी। तो ऑलमोस्ट जो मैंने एक आईडी लगाया था, और जो ये मैंने जो आईडी लगाया था ना, मैंने इस वीडियो में बोला था कि आपके जो भी पोल आए हैं, ठीक है, जो भी आपने वोट किए थे उसके आधार पर मैंने बताया था, और क्या सिनेरियो रहा था, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, ये मैंने पूरा एक अंदाजा लगा के बहुत सटीक तरीके से आपको बताने की कोशिश की थी, ठीक है। तो ये कट ऑफ है, टेलीग्राम पर डाल दी, वहाँ से ले लेना। इसके अलावा देखने को मिले हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक तो ये है आपका अपडेट है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आपको मिल जाएगा, एक सेकंड रुकिएगा, देखिए एक नोटिफिकेशन ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्रैवल स्टूडेंट, यानी कि सक्सेसफुली कैंडिडेट था ये, हमारे स्टाफ सिलेक्शन इन्होंने 17/12 को ले लिया था, जेएसए का आपका एग्जाम, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का अक्रॉस द स्टेट ये फॉर्म फिलअप वैकेंसी फिलअप करने वाले। द लिस्ट ऑफ शॉर्ट कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वॉज पब्लिश ऑन 4/6/4/6 को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपको बुलाया गया था, 16/6 के अपडेट में ये आया, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपका जो अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर है, जो जो बच्चे यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए थे, तो सभी के लिए इस लिंक पर, आप इस लिंक पर क्लिक कर देंगे, मैंने टेलीग्राम पर ये पीडीएफ डाल दिए, इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना जो अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर है, कहाँ आपको अपॉइंटमेंट मिला हो, कहाँ पोस्टिंग मिली है, वो आप जाके इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर भी दिए गए हैं, तो रोल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन इन रोल नंबर्स के लिए आपका जो यहाँ पर सिलेक्शन हुआ, और इन इन रोल नंबर जो भी इनके नाम है उनका सभी का यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है, तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, ठीक है। यहाँ पर एक एक अपडेट और यहाँ पर देखने को मिली है कि यहाँ पर ये देखिए प्रोविजनली कैंडिडेचर नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट, इन शायद ये जो नीचे रोल नंबर दिए गए इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कत आई होगी, तो इनको अभी होल्ड पर कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा है कि इट इज़ हियर बाय नोटिफाइड दैट द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट हुज रोल नंबर आर लिस्टेड बिलो इज प्रोविजनली एंड देयर सेलेक्शन इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। इनका जो सिलेक्शन है वो अस्थायी रूप से है, क्योंकि शायद हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इनमें कुछ दिक्कत आई हो, तो इनको बाद में आपका यहाँ पर दिया जाएगा। ये भी मैंने अपडेट आपको टेलीग्राम पर डाल दी, ठीक है। देखिए टेलीग्राम पर सारी जो पीडीएफ्स है मैंने यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको मैं एक बार, देखिए ये सारी जो पीडीएफ्स वगैरह हैं यहाँ पर, देखिए ये सब कुछ मैंने यहाँ पर अपडेट डाल दी, तो आप एक बार जाके यहाँ पर चेक इसे कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसमें आ गया हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, मैं मेन चैनल पे जाता हूँ अपने, देखिए ये वाला है ना, यहाँ पर देखिए सारे जो जितने भी इसके नोटिफिकेशन आए हुए हैं लेटेस्ट, मैंने आपको सारे कुछ यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। तो जहाँ से आके यहाँ से जाके आप इसे अपडेट कर सकते हैं, और जिस जिस कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट में आ गया, पोस्टिंग लेटर आ चुकी है, और पोस्टिंग लेटर से रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट है कि पोस्टिंग लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से पोस्टिंग होगी, और जहाँ पर आप पोस्टिंग करेंगे तो वहाँ पर क्या क्या सिचुएशंस आपके साथ होने वाली है, वहाँ पर भी आपका एक डीबी होता है छोटा सा, है ना, मेडिकल वगैरह आप देख लेना, उसमें लिखा हुआ जो फॉर्मेट आपको मिला हुआ, तो वो आप देख सकते हैं। अगर आप मुझे शेयर करना चाहते हैं तो मुझे दी एग्ज़ाम हेल्पर, ठीक है, 0802@gmail.com पर आप अपना जो भी आ, आ, पोस्टिंग लेटर है वो भेज के मुझसे अगर कोई भी आपका डाउट क्लियर करना है तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। या आप टेलीग्राम पर जो है, या कहीं जो है टेलीग्राम पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप जो है इस वीडियो के कमेंट के नीचे करेंगे तो मैं आपको वहाँ पर जीमेल आईडी दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप इसे मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो था दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की मोर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।